देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स भारतीय बाजार में नए साल और जनवरी के मौके पर अपनी जबरदस्त कारों के साथ एंट्री लेने वाली है। बता दें कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो का इंतजार काफी लंबे समय से मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा देखा आ रहा था। ये कार अपने नए अंदाज, नए लुक के साथ एक बार फिर से मार्केट में तहलका मचाने को तैयार हो चुकी है। मार्केट में बुलेरो एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल से लेकर पर्सनल इस्तेमाल लिया जाता है। ये काम इंसान की फुल साइज एसयूवी कार लेने का सपना काफी लंबे समय से पूरा करती आई है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप जनवरी के इस नए साल के मौके पर अपने जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो को घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बता दें कि इस कार को हुए ऑटो एक्सपो से लेकर कई मामलों में प्रदर्शित किया गया था और ये कार टेस्टिंग के दौरान कई मौकों पर भारत की सड़कों पर भी देखी गई थी। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो को मार्केट में बुक कर सकते हैं। मगर अब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो पूरी तरीके से स्टाइलिश और यूथ को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए तैयार की गई है और ये काफी हद तक स्कॉर्पियो एन से मिलती जुलती भी नजर आ रही है। बुलेरो के सबसे पहले अगर हम बात कर ली जाए कार के इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात, जो कि हर किसी को मार्केट में दीवाना बना रही है। बुलेरो को पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ा डिजाइन और एक स्पेसिबल लुक दिया गया है, जिससे ये कार 7 से 5 लोग बैठने की जगह के साथ हाजिर हुई है। यानी आप बुलेरो के पहली बार 5-सीटर मोड ऑप्शन के साथ भी रूबरू होने वाले हैं। बता दें कि बुलेरो के फ्रंट पे अब आपको बोरिंग हेडलैम्प्स को नहीं बल्कि नए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स के खूबसूरत नए स्टाइल अंदाज के साथ इस कार में नजर आते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए महिंद्रा मोटर्स ने आखिरकार इस कार में स्कॉर्पियो N वाली ट्विन ग्रिल का इस्तेमाल कर ही डाला है, जिसमें नया महिंद्रा का ट्विन लोगो भी इस्तेमाल में लिया गया है, जिससे हमारी बुलेरो काफी ज्यादा मस्कुलस फ्रंट लुक से नजर आती है। बुलेरो को मार्केट में सबसे ज्यादा खास इस कार का बम्पर भी बना रहा है, तो आप बम्पर पे गौर कर सकते। कार के मस्कुलस लुक को शानदार स्पोर्टी लुक वाला बम्पर दिया गया है, जिससे ये कार काफी ऊंची और चौड़ी और लंबी भी नजर आती है। ओवरऑल ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए कार शानदार कम बजट में पैसा वसूल कार होने वाली है। बम्पर पे गौर करें तो आपको इस कार में शानदार फॉग लैंप की प्रणाली भी दिखाई दे रही है, जो कि बुलेरो जैसी सेगमेंट की कार में पहली बार नए मॉडल में ऐड की गई है। साथ ही साथ बुलेरो के साइड प्रोफाइल में गौर किया जाए तो देख लीजिए, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो अब ऊंची भी नजर आती है। आगे कार बुलेरो जैसी कार में पुराने मॉडल के मुकाबले 17 इंच के बड़े टायर, कंपनी फिटेड नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील ऑप्शन आप सभी को चुनने के लिए इस कार में दे डाले हैं। साथ ही साथ बुलेरो के ग्राउंड क्लीयरेंस को अच्छा खासा ऊंचा रखा गया है, यानी भारतीय बाजार के तंग रास्ते, पथरीले रास्ते और ग्रामीण क्षेत्र और साथ ही साथ ऑफ रोडिंग के कम बजट में सपना पूरा करने वाली ये कार अपने ऊंचे स्पेसिबल डिजाइन के साथ भी नजर आती है। हाँ तो गल्ली हमने भारतीय बाजार में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो के लुक से लेकर डिजाइन की बात, जो कि हर किसी को अब मार्केट में दीवाना बना रही है। बुलेरो जितना शानदार लुक के साथ मार्केट में दिखाई दे रही है, उतना ही जबरदस्त कार में एक नए इंजन ऑप्शन की प्रणाली भी आपको मिलने वाली है। आखिरकार महिंद्रा मोटर्स ने अपनी बुलेरो जैसी कार में डीजल विकल्प ऑप्शन को रिप्लेस करके इस कार के अंदर पेट्रोल विकल्प ऑप्शन की प्रणाली को ऐड किया है। या मार्केट में आने वाली बुलेरो के अंदर आप सभी को बेहतरीन नई टेक्नोलॉजी से लेस, जो कि पेट्रोल के दामों को ऊंचाई नहीं बल्कि नीचे गिराने के साथ ही साथ आपके कार लेने का सपना पूरा करने के साथ आपकी बुलेरो जैसी कार में एक शानदार 1.5 लीटर का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आज के बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने के लिए ये कार शानदार प्रदर्शन और परफॉर्मेंस के साथ डिजाइन की गई है, जिसके चलते बुलेरो का परफॉर्मेंस आपको 230 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 310 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो अपने सेगमेंट में 5-स्पीड AMT 5-स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन के साथ नजर आने वाली है। माइलेज की बात कर ली जाए तो भाई वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो का माइलेज मारुति सुजुकी की कारों को भी चौंकाने वाला है। यानी इस कार का
का माइलेज अब पेट्रोल विकल्प ऑप्शन के साथ आपको 28 से लेकर 30 के आसपास मिलने वाला है। है ना कमाल की। आज के महंगाई के दौर में हर कोई अपने बजट सेगमेंट में एक सस्ती कार को मार्केट में तलाशने निकल जाता है और साथ ही साथ सस्ती कार में शानदार फीचर्स की लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। और बुलेरो जैसी देसी कार में तो आपको शानदार फीचर्स पहली बार ही देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि महिंद्रा ने अपनी बुलेरो जैसी कार में 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी के फीचर्स जोड़ डाले हैं। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो के डैशबोर्ड पर नजर डालिए कि कार के डैशबोर्ड को महिंद्रा थार से कम नहीं रखा गया है। इस कार के डैशबोर्ड में ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ वुडन का लाइनअप भी आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ लेदर के टचअप ऑप्शन के साथ ये कार कई कंपोनेंट से लेस की गई है। महिंद्रा बुलेरो के डैशबोर्ड में आपको एक 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन पहली बार इस कार में सेगमेंट में ऐड किया गया है और साथ ही साथ बुलेरो जैसी कार में दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के क्रोम फिनिशिंग के साथ चमचमाते हुए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली भी आपको मिल जाती है जिसमें 1.2 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को भी छोड़ा गया है। साथ ही साथ बुलेरो जैसी कार में अब पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली को छोड़ा गया है। बुलेरो के अंदर सबसे ज्यादा खास बात इस कार को शानदार और बनाने वाला कार में पहली बार देखा गया 9 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम और यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स आपको आपकी बुलेरो जैसी कार में मिलने वाले हैं। बुलेरो जैसी कार में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग डीप प्लगिंग ऑप्शन और हारमन्स के पूरे 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को बुलेरो जैसी कार में धमाका मचाने वाले हैं। ये तो हो गई कार के फीचर्स की बात, अब बात कर ली जाए आखिरकार बुलेरो के कंफर्ट के बारे में। तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो को शानदार सिटिंग ऑप्शन के साथ भी लाया जा रहा है। अब आपको पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार में प्रीमियम सिटिंग ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। चाहे अब लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, किसी भी तंग रस्तों पर यह स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सिस्टम आपकी सीटों को शानदार बनाने वाला है। इस कार में आपको अपोल सीट्स का सेक्शन देखने को मिलता है। ये वही सीटें हैं जो कि 14 तरीके से ऑटोमेटिक द्वारा एक्सिस एक बटन से ही की जा सकती है। आप अपनी सीटों को 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। ना यूज होने पर अपनी बुलेरो को कमर्शियल रूप में भी बदल सकते हैं। अब बात कर लीजिए फाइनली नेक्स्ट जनरेशन 2024 बुलेरो के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो मार्केट में महिंद्रा मोटर्स की बिल्ड क्वालिटी आज से नहीं काफी लंबे समय से कारों में देखी आ रही होती है। महिंद्रा मोटर्स ने आखिरकार अपनी बुलेरो जैसी कार के लिए न्यू एम महा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर डाला है जिसके चलते 90% तक स्टेनलेस स्टील से बुलेरो की बिल्ड क्वालिटी को और भी ज्यादा डबल कर दिया गया है। इस कार की बेस वेरियंट की स्टार्टिंग कीमत केवल 4.90 लाख रुपीज एक्शन प्राइस होने वाली है, यानी 5 लाख रुपए से कम के बजट में आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को घर ले जा सकते हैं। तो देरी किस बात की, तो अगर आप भी घर बैठे ही इस नए साल के मौके पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को बुक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बुलेरो के लिए बन जाता है एक लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।